iPhone 13 सबसे ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी iPhone है जो आप इस समय ले सकते हो, जिसके कैमरास की परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और स्पेशली इसके कैमरास के अंदर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने मिलते हैं। तो आज मैं से कंपेयर करूंगा 15 प्लस के साथ ताकि आपको दिखा सकूं कि कितना डिफरेंस है। मेरे अकॉर्डिंग तो इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ऑब्वियसली बात है 15 की कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर है, लाइक कुछ फीचर्स भी ज्यादा है, जैसे 4K में सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है, एक्शन मोड देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये एक डिसेंट फोन है जो बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको देता है। पहले बता दूं ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं होगी, ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं साइड बाय साइड इनके सैंपल्स को कंपेयर करूंगा, साथ ही साथ अगर कभी भी इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद लेना। और अगर आपको इस तरह के कंपैरिजन देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी तो मेरा मन करेगा ना इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो खैर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। हे गाइस वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय, आई एम संकेत कश्यप और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 13 का कैमरा टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है। और फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हो, मतलब जो आप अभी देख रहे हो, ये इसकी सिनेमैटिक मोड में शूट हो रही है और ये 1080p में लेता है। हे गाइस वेलकम बैक टू डिस्कवरी नियर बाय, आई एम संकेत कश्यप और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 15 प्लस का कैमरा टेस्ट। तो ये मेरे हिसाब से काफी बढ़िया कैमरा सेटअप के साथ आता है, मतलब बैक में आपको दो कैमरा में देखने को मिलता है, दोनों की क्वालिटी काफी गजब की है। और फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हो वो इसके सिनेमैटिक मोड में देख रहे हो और ये 4K में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं DSLR वाली फील आपको देगा। अब ये सोशल मीडिया के हिसाब से काफी बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन वैसे इसके कैमरास 4K 60fps तक शूट कर सकते हैं, मैं आगे आपको सैंपल दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको 4K में सिनेमैटिक मोड लेना है तो आपको 14 पे या 15 पे स्विच करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया वगैरह के लिए वैसे गजब की क्वालिटी लेता है और जो आप इसकी ऑडियो सुन रहे हो वो भी इसके इंटरनल माइक से ही है। तो ओवरऑल ये मेरे को बढ़िया कैमरा का सेटअप लगा अगर आप खरीदना चाहते हो यूट्यूब के लिए। और अभी जो वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो इसके मेन लेंस से, ये 4K 60fps पे शूट कर सकता है और काफी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और ये वीडियो बिल्कुल ही अनएडिटेड है और जो आप आवाज भी सुन रहे हो, मतलब आप माइक सुन रहे हो, पहले जो सुन रहे थे और अब भी सुन रहे हो, वो इसके इंटरनल माइक से ही है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो इसके मेन लेंस से, ये 4K 60fps तक शूट कर सकता है, तो मैं 4K 60fps पे शूट कर रहा हूं और ये बिल्कुल ही अनएडिटेड वीडियो है। यहां पर आसपास काफी शोर है, हवा भी चल रही है, तो आपको पता जाएगा कि इसकी नॉइज कैसी है, मतलब इसकी नॉइज कैंसलेशन कैसी है, मतलब माइक कैसा है। और अभी जो वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो इसके वाइड एंगल लेंस से, तो देख सकते हैं आप कितना वाइड ले सकता है। अभी कैमरा वहीं पर रखा हुआ है और ऑडियो भी इंटरनल माइक से आ रही है। अब इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी मेन लेंस की है, लेकिन फिर भी आप इसे व्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए एक वाइड एंगल चाहिए होता है, तो हाथ में पकड़ के आप अच्छे से व्लॉगिंग कर सकते हो और माइक यूज करके ऑडियो भी इंप्रूव कर सकते हो। और अभी ये कैमरा वहीं पर ही है और आप देख सकते हैं कि वाइड एंगल लेंस पे कितना वाइड ले सकता है, और अभी भी जो इसकी ऑडियो आ रही है वो इसके इंटरनल माइक से है। तो वैसे इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया तो नहीं है जितनी मेन लेंस की है, लेकिन फिर भी काफी बढ़िया क्वालिटी है। और अगर मैं व्लॉगिंग करना चाहूँ, मतलब हाथ से पकड़ के, तो इसका व्लॉग भी कर सकता हूं।
अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो आईफोन 13 से, और ये एक इंडोर क्वालिटी है, मतलब लो लाइट क्वालिटी है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि इंडोर में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि बाहर तो कोई भी कैमरा अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती है। और इस समय जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो भी इसके इंटरनल माइक से है, और मेन लेंस से वीडियो शूट हो रही है 4K 60 FPS पे। अब पीछे थोड़ा फैन वगैरह की नॉइज है, थोड़े से घर के शोर शराबे हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसकी नॉइज कैंसिलेशन कैसी है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो 15+ से, और ये इसकी इंडोर क्वालिटी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया बाहर तो कोई भी कैमरा अच्छी वीडियो ले सकता है, अच्छी लाइट होती है क्योंकि। तो मैं आपको एक इंडोर क्वालिटी दिखाना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था कि इंडोर में कैसा परफॉर्म करता है, और ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो है। और जो इसकी ऑडियो आ रही है वो भी इसके इंटरनल माइक से है, मैंने किसी भी तरह का माइक यूज नहीं किया है, और पीछे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, थोड़ा सा घर का शोर शराबा भी है, तो आपको पता जाएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, नॉइस कैंसिलेशन कैसी है। ये हैंडहेल्ड शॉट है, और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से। अब ये इतना वाइड लेता है, अब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी मेन लेंस की थी, लेकिन फिर भी कैजुअली व्लॉगिंग के लिए आप घर पे व्लॉग्स वगैरह बनाना चाहते हो यूज कर सकते हो, और इसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देख रहे हो इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, तो ये इतना वाइड व्यू लेता है। अब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी मेन लेंस की है, लेकिन फिर भी कैजुअल व्लॉगिंग के लिए आप इसे भी यूज कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब आपको इसके कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे, तो अगर आपको इसके कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे और इसे खरीदना मन कर गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही खरीद लेना, ताकि आपको बेस्ट मिल सके, मेरे चैनल पर वोट हो सके, दोनों का तभी भला होगा ना, क्योंकि अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है। और इससे रिलेटेड 13 के कैमरा टेस्ट वगैरह मैं सारी वीडियो इसका कंपैरिजन वगैरह डाल चुका हूं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, तो एक बार चेक कर लेना, ज्यादातर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं 15+ से रिलेटेड और भी वीडियोस डाल चुका हूं और आगे भी डालूंगा, तो उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह कंटेंट देखना पसंद है और ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करते जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही मैं आप अच्छी वीडियोस डालूं आपको पता चल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।